नमस्कार दोस्तों, आज सवेरे सवेरे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज ही ऐसा है। एक टेस्ट होता है, एक संस्था है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये हिंदुस्तान के सभी यूनिवर्सिटी और जो हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी बाहर में भी एक्सटेंशन सेंटर है, जहाँ से जनरल तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ अलग हिसाब किताब है, नॉर्मल शिक्षा के लिए जो नॉर्मल स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज है और भी सब्जेक्ट है, उसके लिए UGC है। लेकिन यूनिवर्सिटी पर नज़र रखती है सब चीज़ पर। UGC के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। शायद यह साल में दो बार होता है। इस टेस्ट के आधार पर लेक्चरशिप वगैरह में भी लोग जाते हैं। अभी अभी जो मैं सवेरे देख रहा हूँ खबर है कि एग्जामिनेशन जो 18 जून को हुआ वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, धांधली के कारण सरकार को कुछ सेंसिटिव पर डाउट है, इसलिए इसको कैंसिल किया जाता है और इस केस को CBI को सौंप दिया गया है। अभी नीट का मामला सुलझा भी नहीं और नेट का मामला आ गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जब तक नीट का मामला नहीं सुलझेगा, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बहाली से संबंधित एग्जामिनेशन केंद्र के लेवल पर होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें, नीट के एग्जामिनेशन का जो इशू है, और इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सारा सबूत, इतना सारा स्टेटमेंट, बिहार में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया है, सभी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जब नेट को दे सकते हैं आप CBI को, तो ये नीट को क्यों नहीं दे सकते हैं CBI को? इसको दीजिए और ख़त्म कीजिए, और नहीं तो एक चीज़ कीजिए कि इस साल MBBS में एंट्री ही नहीं लीजिए, पूरा का पूरा ख़त्म कर दीजिए। एक साल एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज का साफ सफाई मरम्मत सब पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कर दीजिए। तो आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो अभी CBI को जो सौंपा गया है नेट का केस, NET नेट का केस जो सौंपा गया, उसके कारण नीट के लिए भी एक बल मिलता है कि इस केस को भी सॉल्व करने के लिए सरकार कोई त्वरित उपाय करेगी। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई का डेट डिसाइड किया है, करना चाहिए सरकार को। अभी संसद सत्र तो चला नहीं है, फिर कैसे कैंसिल कर दिया, या किस ढंग से कैंसिल हो गया, किस लेवल पर नेट एग्जामिनेशन को CBI को हैंड ओवर करने का डिसीजन लिया गया। नीट के लिए भी लिया जा सकता था ना ये। तो यही चीज़ है, ये सब चीज़ देश में अभूतपूर्व है। पहले जो भी घटना देश में होता है, हमारे देश में अभूतपूर्व ही होता है, पहले से बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना है। सुबह सवेरे आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, समसामयिक विषय पर हमारा एक चैनल था। इसमें कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं उठेगा जो कि आपके लिए बोझिल होगा और उबाऊ होगा, इसलिए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।